ओके दोस्तों, आज हमारी वर्कआउट पूरी हुई। काफी देर हो गई है वर्कआउट करते हुए। आप लोगों की कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अब शायद लोग जा रहे हैं लाइव से, आप देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है। सभी को नमस्ते, जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम अभी लगभग 1.25 घंटे हो गए हैं। और हमारी लाइव वर्कआउट चल रही थी, हनुमान गदा मुद्गर प्रैक्टिस चल रही थी। आप लोगों के कुछ भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं वर्कआउट से संबंधित। मैं प्रोफेशनली योगा टीचर हूं और आप लोग सर हाइट कैसे बढ़ाएं। गौतम बेहरा, हाइट कैसे बढ़ाएं? भाई आपकी उम्र क्या है पहले ये बताइए आप। आप अपनी उम्र बताइए। ठीक है भाई, आपको मैं कुछ योग अभ्यास के नाम बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको ताड़ासन करना है, पश्चिमोत्तानासन करना है, चक्रासन करना है। ठीक है, एक होता है जानुशीरासन, एक पैर को फोल्ड करके एक पैर को सीधा रख के उसको सिर के टच करने वाला, और इन सभी आसनों का 3 बार रिपीटेशन करना है और 3 से 5 बार रिपीटेशन करें एक आसन का, और कम से कम आपको आधे घंटे प्रतिदिन इनका अभ्यास करना है। थोड़ी रनिंग करनी है, दूध मक्खन इनका सेवन करो और थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। साथ में आप अगर बास्केटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छी जो गेम है उससे आपकी हाइट बढ़ेगी, है ना। तो मैंने जो आसन बताए हैं वो हैं ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन, और इसके अलावा कुछ थोड़े से एडवांस आसन हैं जिसमें सर्वांगासन। ठीक है, उसमें आपको कम से कम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का होल्ड करना है। शीर्षासन कर सकते हैं तो शीर्षासन का अभ्यास करो। ये कुछ आसन है जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं और आपके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए ब्रेन को सिग्नल मिलता है। इसलिए ये सारी वर्कआउट आप करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और भी कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, उनकी स्किनी बॉडी है, पतली बॉडी है, उन लोग